अस्सलामुअलैकुम। मैं पहुंच गया, अवतार से पहले पहुंच गया। थैंक यू दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि इमरान अशरफ की साबका अहलिया किरण अशफाक, जिन्होंने कुछ माह कबल ही दूसरा निकाह किया था, और अब आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किरण अशफाक अपने सेकंड हस्बैंड की बर्थडे को इंतहा ही शानदार अंदाज से सेलिब्रेट कर रही हैं। दिखाएंगे कि किस तरह किरण अशफाक बेटे की बर्थडे पर तो ना पहुँचे, लेकिन अपने सेकेंड हस्बैंड की बर्थडे को इंतहा ही शानदार अंदाज से जब सेलिब्रेट किया तो फैंस ने किस तरह से रिएक्ट किया, इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर की जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अशरफ और किरण अशफाक के डायवोर्स को तो तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जब किरण अशफाक ने डायवोर्स को तकरीबन 1 साल बाद ही दूसरा निकाह कर लिया तो हर कोई हैरान ही रह गया, और फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि किस तरह किरण अशफाक ने अपने छोटे से बेटे को छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि किरण अशफाक और इमरान अशरफ का बेटा रोहाम, जो कि इस वक्त इमरान अशरफ के साथ ही रहता है, और इमरान अशरफ ने 2 दिन कबल ही अपने बेटे की बर्थडे को इंतहा ही शानदार अंदाज से सेलिब्रेट किया है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से किरण अशफाक और उनके सेकंड हस्बैंड हमजा की बर्थडे सेलिब्रेशंस की आने वाली इन वीडियोज़ और तस्वीर को जहां एक तरफ लाइक किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ फैंस का ये भी कहना है कि क्यों किरण अशफाक अपने बेटे को अपने साथ नहीं रखती हैं, और हमजा की बर्थडे के रोज़ भी उनका बेटा उनसे मिलने के लिए नहीं आया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, किस तरह किरण अशफाक ने अपने हस्बैंड की बर्थडे को सेलिब्रेट किया, अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।